अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक है। हमारा टॉपिक है गिनती, एक से लेके 10 तक हिंसों और लफ्जों में। ये देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, बिल्ली। बिल्ली कितनी है? एक। एक कैसे लिखते हैं उर्दू में? अलेफ ये काफ एक। बात क्या आता है? दो। दो कैसे लिखते हैं? दाल वाव दो। दो क्या बनी हुई है? गाड़ी। क्या बनी हुई है? गाड़ी। दो के बाद क्या आता है? तीन। तीन कैसे लिखते हैं? ते ये नून तीन। तीन क्या बने हुए हैं? फूल। क्या बने हुए हैं? फूल। तीन के बाद क्या आता है? चार। चार कैसे लिखते हैं? चे अलिफ चार रे साकिन चार। चार क्या बने हुए हैं? डोनट्स। क्या बने हुए हैं? डोनट्स। चार के बाद क्या आता है? पांच। पांच कैसे लिखते हैं? पे अलिफ पा नून चे पांच। यहाँ पे पांच क्या बनी हुई है? पांच किताबें। क्या बनी हुई है? पांच किताबें। पांच के बाद क्या आता है? छे। क्या आता है? छे। छे कैसे लिखते हैं? छे। छे की दोस्ती हम कैसे कराएंगे? दो चश्मे तो छे है छे। छे क्या बने हुए हैं? तोते। क्या बने हुए हैं? तोते। छे के बाद क्या आता है? सात। सात कैसे लिखते हैं? सीन अलिफ सात थे साकिन सात। सात क्या बने हुए हैं? गुब्बारे। क्या बने हुए हैं? गुब्बारे। सात के बाद क्या आता है? आठ। सात के बाद क्या आता है? आठ। आठ कैसे लिखेंगे? अलिफ मद आठ थे साकिन आठ। आठ क्या बने हुए हैं? शॉपिंग बैग्स। क्या बने हुए हैं? शॉपिंग बैग्स। आठ के बाद क्या आता है? नौ। आठ के बाद क्या आता है? नौ। नौ कैसे लिखेंगे? नून वाव नौ। नौ क्या बने हुए हैं? क्रियॉन्स। क्या बने हुए हैं? क्रियॉन। नौ के बाद क्या आता है? दस। दस कैसे लिखेंगे? दाल सीन दस। दस क्या बनी हुई है? गाय। क्या बनी हुई है? गाय। अच्छा, तो आज हमने क्या सीखी? गिनती सीखी। हमने क्या सीखी? गिनती सीखी। किसमें? उर्दू में। आ जाइए अब हम मिलके एक नज़म पढ़ते हैं। सबको धोबी वाली आती है, एक पोम है। धोबी आया धोबी आया, कपड़े साफ कपड़े साफ। कितने कपड़े लाया कितने कपड़े लाया? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 और 12। आपको अच्छे से याद हो गई ना गिनती? तो अब हम घर पे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।